तो आज मैं एक हॉरर मिस्ट्री मूवी बुलबुल को एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने और IMDb मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1881 के बंगाल प्रेसिडेंसी में, जहां हम एक छोटी सी बच्ची बुलबुल को देखते हैं। उसकी शादी एक आदमी से होने वाली थी जिसका नाम था इंद्रनील ठाकुर, और इंद्रनील एक जमींदार था और उसका दो भाई भी था। एक था जुड़वा महेंद्र, जिसे मेंटल इलनेस था, और छोटे भाई का नाम था सत्य। तो पहले तो बुलबुल को लग रहा था कि उसकी शादी सत्य से हुई है, बट जब वो हवेली में आई तब उसे पता चला कि उसकी शादी सत्य से नहीं बल्कि इंद्रनील से हुई है। तो जो कि बुलबुल और सत्य सेम एज के थे, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे, और सत्य बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानी सुनाता था। तो इसके बाद मूवी 20 साल के बाद दिखाता है, जहां हम देखते हैं कि सत्य लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म करके आ रहा था। तो रात में जंगल से आते वक्त वहां सत्य की ड्राइवर उसे एक चुड़ैल के बारे में बताता है जो कि गांव में रहती थी, और जंगल में हम किसी साया को भी देखते हैं। देन हवेली पहुंचने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सत्य बुलबुल से मिलने जाता है, जहां बुलबुल सत्य की ड्राइवर को बुलवाया था, जो कि पहले बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी किया था। इसीलिए बुलबुल ड्राइवर को बोलती है कि उसकी पहले वाली बीवी को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसे सजा देगी। बाय द वे, तभी हवेली पे इंद्रनील नहीं रहता था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, और उसके जुड़वा भाई महेंद्र का भी 3 साल पहले मौत हो चुका था। एनीवे, दिन सत्य और बुलबुल महेंद्र की वाइफ बिनोदिनी से मिलता है, और यहाँ बिनोदिनी का कहना था कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है, क्योंकि उसने कमरे में खून से सनी हुई उल्टे पैर की निशान देखे थे। बट ये सब कुछ सुनकर सत्य और बुलबुल इसे मजाक में उड़ा देते हैं। दिन रात में जब सत्य शिकार पे जाने वाला होता है, तब वो बुलबुल को एक सुदीप नाम का डॉक्टर के साथ देखता है। तो यहाँ पर सत्य को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस जमाने में जब पति भी घर पे नहीं है तब औरतों को बिना पर्दा या फिर ऐसे ही किसी मर्द के सामने आना शोभा नहीं देता था। खैर, तो वो दोनों गांव के एक मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहे थे, जो अपनी बीवी को बहुत मारता था, बट उसकी बीवी इस बारे में किसी को नहीं बोलती थी। उसके बाद सत्य शिकार पे चला जाता है, जहां गांव में कुछ लोगों के साथ मास्टर दिनकर भी उनमें शामिल थे। तो शिकार के दौरान दिनकर सभी से अलग हो जाते हैं, और तभी एक औरत उसे जान से मार डालता है, और हम ये भी नोटिस करते हैं कि उस औरत की उल्टे पैर थे। तो दिनकर की आवाज़ सुनकर सत्य उसे ढूंढने लगता है, तभी सुदीप को भी सत्य की आवाज़ आता है और वो उसके पीछे पीछे खंडर के पास पहुंच जाता है। तभी सत्य आकर सुदीप को उस खंडर के पास देखता है। खैर, तो बाद में दिनकर की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। तो तभी सत्य सुदीप से भी पूछता है कि उसने कुछ देखा है क्या, बट सुदीप को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस तरफ सत्य विनोदिनी, जो विधवा होने के बाद आश्रम में रहती थी, वो उसे महल में ले आता है, और हम कुछ पास्ट के बातों को भी देखते हैं, जब विनोदिनी बुलबुल से बहुत जलती थी, क्योंकि उम्र में बुलबुल छोटी होने के बावजूद भी वो इस हवेली की बड़ी बहू थी, और बिनोदिनी बुलबुल सत्य की दोस्ती को भी बुरी नज़र में देखती थी हमेशा। खैर, तो बैक टू द प्रेजेंट, सत्य डिसाइड करता है कि वो अब से इस गांव में जो जो लोग मर रहे हैं उसकी छानबीन करेगा। तो जिस रात को सत्य ने सुदीप को एक खंडर के पास देखा था, वो वहीं पे चला जाता है और उसे वहां पर एक खून लगा हुआ इंसानी हाथ दिखता है। उसके बाद वो हवेली में जाकर विनोदिनी को सुदीप के बारे में पूछताछ करने लगता है कि सुदीप कब से यहाँ पर आता है, पर तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है और सत्य कमरे से चला जाता है। उसके बाद बातों ही बातों में बुलबुल विनोदिनी का मजाक उड़ाता है कि कैसे उसके वजह से ही इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्य को लंदन में भेज दिया था, और हम कुछ फिर फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जहां बिनोदिनी हमेशा बुलबुल और सत्य को लेकर इंद्रनील के कान भरती थी।
वो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। तो इसी तरह धीरे धीरे अब इंद्रनील को भी सत्य और बुलबुल की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी। उन दोनों का बुक शेयर करना, एक साथ बातें करना, ये सब उसे अब पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन इंद्रनील सत्या को पढ़ाई के लिए लंदन में भेज दिया। तो इसे जानकर बुलबुल को बहुत बुरा लगता है, बट सत्या को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम ये भी समझते हैं कि बुलबुल को सत्या बहुत पसंद थी। दिन लंदन जाने के पेपर्स के लिए इंद्रनील सत्या को लेकर कलकत्ता चला जाता है और कुछ दिन के बाद लौट आता है, जहां इंद्रनील अकेला ही वापस आया था। वो सत्या को कलकत्ता से ही लंदन में भेज दिया था। उसे सुनकर बुलबुल बहुत ज़्यादा रोती है और उसकी और सत्या की कहानी वाली डायरी को आग में फेंक देती है। बाद में इंद्रनील को उस चली हुई डायरी के कुछ पन्ने मिलते हैं, जहां एक टुकड़े पर सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। इसे देखकर इंद्रनील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक लोहे के रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है। तभी बुलबुल बाथरूम में थी और इंद्रनील बुलबुल के पैरों के ऊपर बहुत बेरहमी से मारता है, जिससे उसकी दोनों पैर बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। उसके बाद हम सुदीप को देखते हैं, जिसे बुलबुल का इलाज के लिए बुलवाया गया था। वो बुलबुल की देखभाल करता था, उसके पैरों की मलहम पट्टी कर देता था। जब इसके बारे में इंद्रनील से पूछा, तब उसका कहना था कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, पर सुदीप को ऐसा नहीं लग रहा था पैरों को देखकर। देन इंद्रनील बिनोदिनी को सुदीप की जो जो पेमेंट होता है उसे दे देने बोलकर वो खुद उस हवेली को छोड़कर चला जाता है। दिन अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां सत्या को कोतवाल आकर ये खबर देता है कि गांव में खून हो गया है। तो जब सत्या वहां पर पहुंचा, तब कोतवाल का कहना था कि एक छोटी सी बच्ची इसका विटनेस है, उसके मुताबिक उस आदमी को काली माँ ने मारा है और वो बच्ची इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है, इसीलिए डॉक्टर सुदीप ही उसका इलाज कर रहा है। तो सत्या को सुदीप के ऊपर शक होता है, क्योंकि जब भी कोई मर्डर होता है तब उसका कोई ना कोई लिंक तो होता ही है। और ऐसे ही एक दिन छानबीन करते हुए सत्या को एक घर के पास बुलबुल और सुदीप एक साथ दिखता है, जहां पहले सत्या और बुलबुल एक साथ खेला करते थे। उसके बाद हवेली पे सत्या बुलबुल को बोलती है कि आप इस घर की बड़ी बहू हो और किसी गैर पुरुष के साथ आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए। और वो बुलबुल को उसके मायके जाने के लिए भी बोल देता है और सत्या एक चिट्ठी लिखकर इंद्रनील को भी सब कुछ बता देता है। तो इसमें बुलबुल का कहना था कि वो सुदीप से जलता है और सत्या भी बाकियों जैसा है। देन हम फिर कुछ फ्लैशबैक को देखते हैं कि जब बुलबुल उस इंसिडेंट के बाद बिस्तर में पड़ी हुई थी, तब इंद्रनील का जुड़वा भाई, जो कि मेंटली अनस्टेबल था, वो जोर जबरदस्ती बुलबुल का रेप करता है और उसे बहुत दर्द के कारण बुलबुल बेहोश हो जाती है और एक पल के लिए मानो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। तो महेंद्र बुलबुल मर चुकी है ये समझकर डर के कमरे से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि हवेली के बाहर आसमान में मून एक रेड मून में बदल जाती है और उसी वक्त बुलबुल भी अचानक होश में आती है। उसके बाद बुलबुल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसे सुनकर बिनोदिनी तुरंत बुलबुल के पास पहुंचती है और वो समझ चुकी थी कि क्या हुआ है। देन वो बुलबुल की घाव वगैरह को साफ करके नया कपड़े पहनवाती है और मानो खुद व खुद से ही कुछ बातें करने लगती है कि वो जानती है उसकी शादी एक मेंटली अनस्टेबल आदमी से हुआ है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक ज़मींदार की बहू है और उसे इन सब से बहुत इज्जत मिला है, पैसे है, कपड़े हैं, बहुत सेवर है। और वो ये सब बुलबुल को भी सुना रही थी और अपनी मुंह खोलने के लिए मना कर रही थी। तो हम बुलबुल को थोड़ी सी अजीब तरह से बिनोदिनी की तरफ देखते हुए देखते हैं और वो थोड़ा सा बदल सी गई थी। देन जब सुदीप आया, तब वो बुलबुल को देखकर समझ चुका था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ है, बट बुलबुल उसे कुछ ना बताकर अपना काम करने बोलती है।
दिन मूवी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां बिनोदिनी बुलबुल को बुलाने आई थी महेंद्र की बरसी के लिए। उधर पूजा के दौरान बुलबुल को एक लड़का दिखता है रोते हुए, जो कि सत्या का ड्राइवर के पहले पत्नी की बेटा होता है। तो वो बुलबुल को अपने माँ की लाश के सामने ले जाता है। एक्चुअली उसके पिता ने दूसरी बीवी के कहने से उसकी माँ को घर से निकाल दिया था, और जिससे उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। उधर दूसरी ओर सत्या सुदीप के पास जाता है क्योंकि उसे शक था सुदीप ही है सबके पीछे, और सत्या सुदीप को कोर्ट ले जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे गन से धमका कर ले जाने लगता है। बट रास्ते से जाते वक्त अचानक गाड़ी रुक जाती है, जब सत्या बाहर आके देखता है कि उसकी ड्राइवर जो अपने पहले वाली बीवी को घर से निकाल दिया था उसे कोई मार दिया है। तब सत्या को उसके सामने एक औरत की परछाई दिखता है और वो उस पर शूट कर देता है, और वो सुदीप को छोड़ देता है क्योंकि उसे अब पता था कि सुदीप ने नहीं मारा था। देन सत्या उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो शॉकिंगली और कोई नहीं बुलबुल थी। यहाँ बुलबुल की पैर उल्टे थे, और हम तभी कुछ फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद और ऑपरेशन के बाद भी बुलबुल की पैर ठीक नहीं हुए थे। वो इतने डैमेज थे कि आज भी उसके पैर उल्टे ही थे, और सुदीप बुलबुल की पैरों को ठीक करने के लिए ही उसका ट्रीटमेंट करता था, और उसके लिए एक स्पेशल शू लेकर आया था जिसके सबके सामने किसी को कुछ शक नहीं होता। एनीवे तो प्रेजेंट में सुदीप दिखता है कि बुलबुल को गोली लगी है, और वो सत्या को रोकने जाता है बुलबुल को मारने से। सुदीप सत्या को बार बार यही बोलता था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, तुम उसे नहीं ढूंढो, बस सत्या नहीं सुनता। उस तरफ बुलबुल पूरे जंगल में आग लगा देती है। उधर हम फिर एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ एक आदमी बाथटब पर बैठा था और एक छोटी सी बच्ची को मॉलेस्ट करने वाला था, तभी वहाँ पर बुलबुल आकर उस आदमी को मार डालती है और उस बच्ची को बचा लेती है जो बुलबुल को काली माँ के बुला रही थी। देन हम सारे मर्डर्स के पीछे रीजन को देखते हैं। दिनकर जिसे पहले मारा था वो अपने वाइफ के ऊपर बहुत टॉर्चर करता था, और महेंद्र को भी बुलबुल ने ही मारा था जो उसके साथ उसने किया था इसीलिए, और बिनोदिनी को बुलबुल की ही उल्टे पैर के निशान मिले थे वहां पर। बेसिकली उस गांव में जो भी गलत करता था उसको बुलबुल सजा देती थी। देन लोगों में ये डर फैलने लगा कि गांव में चुड़ैल आ चुकी है। तो प्रेजेंट में हम जंगल को देखते हैं जहां चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ था। सुदीप चारों ओर बुलबुल को ढूंढ रहा था। उधर घायल बुलबुल एक ऊंची पेड़ में बैठ जाती है। उधर जब सत्या सुदीप के मुँह से बड़ी बहू नाम को सुनता है तब वो सब कुछ समझ जाता है और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है। उधर बुलबुल एक पेड़ में बैठे बैठे अपने पास्ट के बातों को सोचकर बहुत रोती है और आग में जलकर मर जाती है। देन मूवी एक साल बाद दिखाता है जहां इंद्रनील हवेली पे वापस आता है, जो सत्या की चिट्ठी पाकर यहां पर आया था। उसने ये लिखा था कि हवेली के तीनों भाई मिलकर एक लड़की को मार दिया, और सत्या बहुत पहले ही उस हवेली को छोड़कर चला गया था। दिन रात में जब इंद्रनील सो रहा था तब उसे बुलबुल की आवाज़ आता है, और जब वो उठ के देखता है तब हम बुलबुल की स्पिरिट को देखते हैं जो एक अजीब तरह से उसे स्माइल दे रही थी। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बुलबुल थोड़ी अलग टाइप की हॉरर मूवी है, और इस मूवी को लेकर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन भी है। बट एक बात तो मानना पड़ेगा कि मूवी में सभी के एक्टिंग बहुत बढ़िया है, और मुझे मूवी में जो स्कैरी थोड़ा बहुत सैड टाइप का म्यूजिक है वो बहुत पसंद आया था। खैर, तो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।